अभी हम है अताबाद झील के पास, यार बहुत प्यारी झील है। हाय गाइस, कैसे हो? चटपटी में यकीन आप सब लोग ठीक होंगे, बिल्कुल फिट फाट फाइन शाइन होंगे। तो कैसे हो लोंडो? आप देख रहे हो SH व्लॉग्स, तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सीन ये गाइस, 7 बज गए सुबह के, आज हमने जाना 10 घंटे का हमारा ट्रैवल है। आपको मैंने कल बताया था कि हम 1 बजे यहाँ पे गिलगित में पहुंचे थे, तो उसके बाद मैंने आपको बैकग्राउंड व्यू नहीं दिखाया था होटल का। अब भी देख लो क्या सीन है, ठीक है? तो गाइज इतना मज़े के नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन शिंगरीला जैसा नहीं हो सकता गाइज। तो अभी सीन ये है कि हमने जाना है पहले हुंजा वैली, हमारा 10 घंटे का ट्रैवल है। उसके बाद हमने जाना है चाइना बॉर्डर, तो वहाँ पे अगर चाइना के हमें पासिस मिल गए तो आगे चाइना में जाएंगे, क्योंकि कल छुट्टी थी इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। हमने परसों कहा था लेकिन उन्होंने कहा कल छुट्टी है, एक दिन में पासिस मिलना मुमकिन नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे। तो गाइज अभी देखते हैं हमें मिलते हैं कि नहीं मिलते, अगर मिल गए तो हम आगे चाइना भी जाएंगे और 10 घंटे का ट्रैवल है आज, लग पता जाएगा। कल हमने तकरीबन 12 घंटे का ट्रैवल किया था, लेकिन बीच में स्टे किया था, ठीक है? यहाँ पे भी स्टे करेंगे। और उसके अलावा गाइज अभी 7 बज गए, हमने 7 बजे निकलना था रात को, 1 बजे आए, थोड़ी देर सोए फिर निकल रहे हैं। तो गाइज आसान नहीं है घूमना, ठीक है? अभी निकलते हैं, ठीक है? ज़्यादा लेट नहीं करनी, फिर यार 10 घंटे सीधा 5 बजे वहाँ पर जा पहुँचेंगे, इससे बेहतर है जल्दी से निकलें और चलते हैं फिर गाइज आगे, गाड़ी में बात करते हैं। जब भी हम निकलने लगे हैं तो मैं रोड पे आया था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर लूँ। तो गाइज मैं आपको बता दूँ, जैसा गिलगित है ना, इसमें नेटवर्क का इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो है ना सकरदू, वहाँ पर नेटवर्क तो आता ही नहीं है भाई, आता ही नहीं है। अगर आप वहाँ पर जाएँ तो आप समझ लें आपकी फैमिली, आपके दोस्त आपसे कट गए हैं, आप एक बस जंगल में आ गए हैं, बस आपने वहाँ पर रहना, वहाँ पर नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पर इतना नहीं प्रॉब्लम, आगे हम जा रहे हैं क्या कहते हैं हुंजा वैली, वहाँ पर भी सुना है नेटवर्क का बहुत ही प्रॉब्लम है। तो ये ध्यान में रख के आइएगा कि वहाँ पर नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है ना? चलो यार चलते हैं, आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी, मैंने सोचा दे दूँ। चलो जब भी हो चुके हैं 8, अभी तक हम होटल में बैठे हुए हैं, पता क्यों? यहाँ पे बूफे लगता है, तो सुबह सुबह नाश्ता तो करके जाना ही था ना, तो नीचे के वो गाड़ी वाले भाई कहते हैं कि थोड़ी देर वेट करो, गाड़ी साफ कर लें। तो मैं यहाँ पे आके खड़ा हो गया यार इनके, ये देखो पीछे शहर का व्यू देखो कितना प्यारा आ रहा है, ठीक है? तो गाइज अभी हम यहाँ से नाश्ता करेंगे। हमने होटल वाले एंजल से पूछा, वो कहता है तकरीबन 5 घंटे लगते हैं, गाड़ी वाला 10 घंटे कह रहा है। अभी देखते हैं क्या सीन होता है, रोड बिल्कुल साफ है, कल जैसा रोड नहीं है यहाँ। बिलगिल से हुंजा वैली और साथ में चाइना बॉर्डर का रोड बिल्कुल साफ है, तो वो कह रहे हैं 5 घंटे जाने में और आने में जल्दी लगेंगे। अभी 5 घंटे लगते हैं तो बहुत ईजी होगा हमारे लिए, तो अभी नाश्ता करके उसके बाद बात करते हैं। आलू की भुजिया, अंडे और साथ में ये पराठे और साथ में ये चाय है। तो अभी सीन ये है, खाते हैं और यहाँ से निकलते हैं, ठीक है? चलो कि अभी हम रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर यहाँ पे रुके थे फ्रेश होने के लिए। तो अभी सीन ये, हम हुंजा वैली की तरफ निकल रहे हैं, हुंजा वैली जा रहे हैं, तकरीबन आधे घंटे बाद वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और उसके अलावा गाइज मैंने आप लोगों को बताया था कि हम चाइना में इंटर होने के लिए पास हमें नहीं मिले, तो गाइज सीन ही हुआ, हमने दोबारा कोशिश की, एक दफ़ा हमें पास तो मिल के पाकिस्तान से अप्रूव तो हो गया, लेकिन चाइना के बॉर्डर बंद है कोरोना की वजह से। तब यार सारी उम्मीदें टूट गई यार, यहाँ से हमें परमिशन मिल गई थी पाकिस्तान से, मतलब अब हम पाकिस्तान से जा सकते थे, हमारे पास वगैरह बन गए। जब DC ने वहाँ कॉल की, वहाँ से चाइना के बॉर्डर के बारे में पूछा, वहाँ से चाइना वालों ने कहा बॉर्डर बंद है तो आप नहीं जा सकते, तो यार बहुत ज़्यादा दुख हुआ इस बात पर। सीन ये कि हुंजा वैली जा रहे हैं, उसके बाद हम जाएँगे चाइना बॉर्डर में, वहाँ से वापस आ जाएंगे और कल हमारी फ़्लाइट है। चलो अभी हम निकल रहे हैं, ठीक है? उसके बाद आगे बात करें। हुंजा वैली में है, तो हुंजा सिटी में है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा हुंजा दी कैफ़े, वहाँ पे ज़रूर रहिएगा। यहाँ का क्या कहते हैं वॉलनट केक और इनके प्रॉन्स बहुत मज़े की, यहाँ भी ट्राई किए हैं आपके सामने, तो बड़ा मज़ा आया। तो अगर आप कभी हैं तो यहाँ पे ज़रूर रहिएगा, मैं ये कह रहा हूँ। हम जा रहे हैं यहाँ से, हमने खाया, लेकिन मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे हुंजा सिटी में हैं तो प्लीज़ सामने आप देख सकते होंगे कैफे दी हुंजा में, ज़रूर आइएगा,
यहाँ से आपने ज़रूर आपने केक ट्राई करना है। इनका फेवरेट केक है अखरोट से बना हुआ केक, ठीक है ना, वो ज़रूर ट्राई करना। भी आएँ, आपको मौका मिले तो यहाँ ज़रूर आइएगा, मेरी एडवाइस है। कहते हैं लंच, तो इनकी स्पेशल जो उनकी डिश है उसका नाम है चप शुरू। तो गाइस ये कुछ मैदा रोटी और कीमे के साथ बनती है, और यहाँ की स्पेशल जो सी डिश है जो कह सकते हैं जो हंजा वैली में खाई जाती है सबसे ज़्यादा ये है। अभी आती तो आप लोगों को दिखाते हैं। एक जो हमने ट्रेडिशनल इनका जो फूड मंगवाया था जो मैंने आपको दिखाया वो हमसे नहीं खाया गया, क्योंकि हम पंजाब से हैं, हमसे ऐसे फूड नहीं खाए जाते। ये इनके लिए शायद बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मैं इनकी इंसल्ट नहीं करना चाहता, लेकिन हमसे ना हो पाया। हम दूसरे रेस्टोरेंट में आए हैं कुछ खाने के लिए। इसका बैकग्राउंड व्यू देखें कितना कमाल का है। तो गाइस वहाँ से हमने पैक करवा लिया, खाना वेस्ट नहीं किया, किसी को दे देंगे। लेकिन वहाँ से हमें बिल्कुल नहीं पसंद आया इनका जो भी फेवरेट फूड है यहाँ का। तो अभी सीन ये है कि यहाँ पे खाते हैं और इसके बाद आगे चलते हैं, क्योंकि आगे बहुत सफ़र है। चलो अभी हम हैं अताबाद झील के पास। यार बहुत प्यारी झील है, आप पीछे देख सकते होंगे, इतनी प्यारी मुझे झील लगी। अभी हम अंदर जाके बोटिंग करेंगे। और गाइस बहुत प्यारा व्यू आ रहा है यार, ये देखो यार कितनी प्यारी झील है, और उसका कलर देखो कितना प्यारा आ रहा है। अभी मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ व्यू, क्या सीन है यार, मुझे बड़ा प्यारा इसका कलर लगा। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, सबसे प्यारी झील मुझे ये लगी, ठीक है। आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। चलो तो ये व्यू नज़र आ रहा है, तो आप देख सकते होंगे कितनी प्यारी झील है यार। अभी हम बोटिंग करते हैं, अंदर जाके आपको मैं और दिखाता हूँ कि कितना प्यारा सीन है यार, मुझे बड़ा प्यारा कलर लग रहा है, पानी का कितना प्यारा कलर आ रहा है यार। हाँ तो गाइस अभी हम जा रहे हैं, आप पानी देख सकते हैं कितना मज़े का। ओ हमने बोटिंग कर ली है, बहुत ही प्यारा व्यू था। अभी हम जा रहे चाइना बॉर्डर, 4 बज गए। तो गाइज अभी हमें पता चला है लोगों से कि चाइना बॉर्डर 3:30 बजे बंद हो जाता है। अभी हम जाके चेक करेंगे, अगर बंद हो गया तो हमारी किस्मत, अगर खुला हुआ तो आपकी किस्मत। तो अभी जाने लगे हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके पहुँच के आपको बताऊँगा कि क्या सीन होता है। अभी मुझे टेंशन इस बात की है कि बंद ना हो, क्योंकि कल हमारी फ़्लाइट है, देख के जाएँ यार, इतनी दूर आ गए, आगे से बंद हुआ तो बहुत बहुत दुख होगा। बस दुआ है कि अभी बंद ना हो, चले हम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल। तो भाई जैसा कि आप सामने पासपोर्ट से पहाड़ देख रहे हैं, दुनिया में ऐसे कोई पहाड़ नहीं है इस शेप में। तो ये हमारे पाकिस्तान में ऐसे पहाड़ है, पाकिस्तान में सिर्फ आपको देखने ही मिलेंगे। ये भी चाइना बॉर्डर के रास्ते में कई औसम व्यू है यार। भाई सीन ये है कि अभी हम पहुंच गए थे, 2 घंटे का रास्ता रह गया था, तो आगे नहीं जाने दे रही फौज। तो वो कह रहे हैं 2 घंटे का रास्ता है, आगे बंद है, तो हमें यहाँ पे वापस जाना पड़ेगा। 4-5 घंटे का सफ़र तय करके हम चाइना बॉर्डर के पास आ गए थे, लेकिन आगे नहीं जा पाए, तो बहुत अफसोस भी है। तो ठीक है यार, अभी 2 घंटे ऊपर जाएंगे, फिर 9-8 घंटे हमें नीचे आने में लगेंगे, तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हमने सोचा चले वापस ही चलते हैं फिर कभी से। तो दुख तो हो रहा है, फिर कभी से आएंगे, फिर आपको चाइना बॉर्डर दिखा देंगे। अभी क्या सीन है, अभी चलते हैं होटल में और वहाँ पे जाके सोते हैं। सुबह हमने 9 बजे एयरपोर्ट पहुँचना, हमारी फ़्लाइट है, उसके बाद हम लाहौर में मिलते हैं, ठीक है। अगला ब्लॉग जाने का होगा, तो गाइज़ बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ। चले यार चलते हैं, कि रात के 11 बज चुके हैं। और गाइज़ सीन ये था कि हम पहले चेक पोस्ट पर रुके थे, तो उस फौजी ने हमें जाने दिया, रिक्वेस्ट की तो जाने दिया। अगली चेक पोस्ट पर रुके तो उनसे भी रिक्वेस्ट की, वो मान गए, लेकिन उन्होंने कहा कि आप अपनी गारंटी पे जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, क्योंकि 2 घंटे जाने को लगेंगे और 2 घंटे ही वापस आने को लगेंगे, अगर बीच में कुछ हादसा हो गया हम जिम्मेदार नहीं। तो हमने फैसला किया यार कुछ हो जाता है तो बाद में ना वहाँ नेटवर्क थे, ना कुछ था, ना बंदा किसी को इन्फॉर्म कर सकता था, कुछ सीन नहीं था। तो इसलिए हमने रिस्क नहीं लिया, हमने वापस आने का फैसला कर लिया और सोचा नेक्स्ट टाइम से ही इंशाल्लाह, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो पूरा चाइना बॉर्डर हम घूम के जाएंगे। चलो कल फ्लाइट है, इसलिए मुझे सोना पड़ेगा, जल्दी उठना है। तो अगले ब्लॉग में मिलते हैं, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलें, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।